साइड 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 हटो थोड़ा साइड 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 सो साइड अरे साइड आइए मैम आइए आइए पीछे से वहां कहां लेके जा रहे थे अटल जी के हृदय गंगोत्री से जो गंगा निकली उसकी ही आपको मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं। बनू मैं तेरी दुल्हन की दोहरी भूमिका के लिए सर आपको प्राप्त हुआ है और आपके तालियों के साथ हम दिव्यांका जी को मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। लॉन्चिंग दी है मेरे को दिव्यांका जी को आप सिर्फ अभिनेत्री के रूप में जानते हो तो मैं इनके बारे में कुछ और बता आकाशवाणी में आरजे की हैसियत से शुरुआत की आपने दूरदर्शन से टीवी सीरियल्स की शुरुआत की मिस भोपाल के पुरस्कार से आपको ये उपाधि प्राप्त हुई बोरो प्लस बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित की गई तालियां और भी बजानी पड़ेंगी ऐसी अभिनेत्री हैं जो अपने कि आज आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया थोड़ा सा कंफर्ट लेवल पे आ जाती हूँ आप सभी महानुभावों को मेरी तरफ से नमस्कार मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज इस मंच पर मुझे बुलाया गया अटल बिहारी जी उनकी ज़िंदगी को आज सेलिब्रेट किया जा रहा है मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है कि मैं आप लोगों के सामने हूँ आज और उनकी एक बहुत ही खूबसूरत सी कविता जिसका नाम है कंठ कंठ में जी अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता कंठ कंठ में एक राग है जो कि मैं आज बोलने जा रही हूँ आप सभी लोग के सामने इससे पहले कि मैं ये कविता आप लोगों के सामने दोहराऊँ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा दिल को छूती हैं अटल जी की कविताएँ क्योंकि जहाँ वो एक बहुत ही सफल राजनेता थे वही वो एक बहुत ही सफल कवि भी रहे हैं और कविता कहीं ना कहीं एकता का संदेश देती आई है अटल जी ने हमें सिर्फ ये याद नहीं दिलाया कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितनी ज़्यादा मेहनत की थी हम लोगों को स्वतंत्रता दिलाने में बल्कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनकी कविताएँ आगे आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं वो हमें बताती हैं कि अगर हमें आगे अपने देश को बढ़ाना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम एकजुट होकर अपने देश के लिए लड़ें कुछ इसी प्रकार की है ये कविता माँ के सभी सपूत गूंजते ज्वलित हृदय की माला हिंदुकुश से महासिंधु तक जगी संगठन ज्वाला हृदय हृदय में एक आग है कंठ कंठ में एक राग है एक ध्येय है एक स्वप्न है लौटाना माँ का सुख सुहाग है प्रबल विरोधों के सागर में हम सुदृढ़ चट्टान बनेंगे जो आकर सर टकराएंगे अपनी अपनी मौत मरेंगे विपदाएं आती हैं आए हम ना रुकेंगे आघातों की क्या चिंता है हम ना झुकेंगे सागर को किसने बांधा है तूफानों को किसने रोका पापों की लंका ना रहेगी ये 49 पवन का झोंका आंधी लघु लघु दीप बुझाती पर धधकाती है दावानल कोटि कोटि हृदयों की ज्वाला कौन बुझाएगा
किसमें बल, छुई रुई के पेड़ नहीं है जो छूते ही मुरझा जाएंगे, क्या तड़िता घातों से नभ के ज्योतित तारे बुझ पाएंगे, प्रलय घनों का वक्ष चीर कर अंधकार को चूर चूर कर ज्वलित चुनौती सा चमका है प्राची के पट पर शुभ दिन कर, सत्य सूर्य के प्रखर ताप से चमगादड़ उलुक छिपते हैं, सूर्य के प्रखर ताप से चमगादड़ उलुक छिपते हैं, खग कुल के कंदन को सुनकर किरण बाण क्या रुक सकते हैं, शुद्ध हृदय की ज्वाला से विश्वास दीप निष्कंप जलाकर, शुद्ध हृदय की ज्वाला से विश्वास दीप निष्कंप जलाकर कोटि कोटि पग बढ़े जा रहे हैं तिल तिल जीवन गला गला कर, जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति ना रुकेगी, जब तक ध्येय ना पूरा होगा तब तक पग की गति ना रुकेगी, आज कहे चाहे कुछ दुनिया कल को बिना झुके ना रहेगी, कल को बिना झुके ना रहेगी। ये थी अटल बिहारी जी की कविता, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांका त्रिपाठी जी। अटल जी को फिर से प्रस्तुत करना, अटल जी की संवेदनाओं को हमारे हृदय में पहुंचाना, से प्रस्तुत कर रही थी, मुझे लगता है एक बार आपकी तालियां और होनी चाहिए। मित्रों, हमारे बीच डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे आज के सम्मान मूर्ति पधार चुके हैं। इस मंच से हम आपका स्वागत करते हैं और अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी का अपने तालियों से सम्मान करें। डॉल्स डिलाइट ने अटल जी की कविताओं को, अटल जी की रचनाओं को नृत्य में रूपांतरित करने का प्रयास किया है। ये तो शब्द हमारी भाव। थैंक यू, मैरी क्रिसमस टू यू टू। अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो एक बहुत ही सफल राजनेता थे। 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं और लोगों के द्वारा बहुत बहुत ज़्यादा चाहे गए हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे राजनेता होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरणाएं दी हैं, सिर्फ एक प्रधानमंत्री होते हुए ही नहीं, निजी तौर से भी। निजी का ऐसा है कि उन्होंने जो कविताएं लिखी थी वो लोगों के दिलों को छूती हैं। उनकी 51 कविताओं का एक संग्रह है और उनमें से एक का मैंने आज यहाँ पे मैंने रेसिटेशन किया था, एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे उन्होंने चुना, मुझे बुलाया। जो कविता आज मैंने भी पढ़ी, वो कविता कहें या कोई भी और, वो हमें कहीं बहुत ज़्यादा प्रेरित करती हैं। ये बताती हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों ने कितनी ज़्यादा कोशिशें की थी हमें स्वतंत्र कराने के लिए, और वहीं हमें बताती हैं कि भाई हमें डट कर लगे रहना है ताकि हम अपने देश का नाम आगे बढ़ा सकें। सच कहूँ तो बहुत ही मिक्स्ड ओपिनियन है मेरे अंदर, मैं खुद निर्णय नहीं ले पा रही हूँ इस बारे में। कई गर्मा गर्म वार्तालाप हुए हैं मेरे घर के अंदर, हम लोगों ने काफ़ी बातचीत की है। मेरे ससुर जी जो कि खुद एक लॉयर हैं, हम लोग यही बात कर रहे थे कि ये अच्छा है या नहीं। तो
तो देखिए दो तरह की राय है, एक ये कि अच्छा इसीलिए होगा क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा नहीं होगा, हर देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आने पे एक एक रोक होती है, अगर लोग इल्लीगल तरीक़ों से आए तो उन्हें रोका जाता है, तो वहाँ अगर इस तरह की रोक लगाई जाए तो दैट इज़ ओके, ताकि वो जो हमारे हमारे जो कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं वो सही जगह पे इस्तेमाल हो सकें, लेकिन जातिवाद के नाम पर हो तो वो मुझे ठीक नहीं लगता। तो आई हैव अ मिक्स्ड फीलिंग टुवर्ड्स इट, मुझे लगता है कि ये अगर इतना बड़ा कदम उठाना है जहाँ सिटीजनशिप से रिलेटेड ये एक बहुत बड़ा कदम है, जहाँ रुकेंगे आप लोग फोटोज़ प्लीज़, थैंक यू, सो डिस्ट्रैक्टिंग, बीच में लोग सेल्फी लेते हैं तो ये है मोहब्बतें ख़त्म हो चुका है, और उसके बाद में अब कोई ना कोई वेब सीरीज़ है मेरी जो कि आने वाली है, पाइपलाइन में है, लेकिन अभी तक बनना शुरू नहीं हुई है, बातचीत हुई है, तो आई थिंक बाय नेक्स्ट ईयर सेकेंड या थर्ड मंथ तक मेरा कुछ ना कुछ काम उस दिशा में शुरू हो जाएगा। बाकी बहुत समय बाद छुट्टियाँ मिली हैं, पूरी पूरी छुट्टी तो नहीं है, मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, पर कभी कभी ऐसे कोई दिन निकलते हैं जब मैं बैठ के बिंज वॉचिंग करती हूँ, टीवी देखती हूँ। आमतौर पे मेरा जो भी जॉनर होता है वो फैमिली व्यूइंग के हिसाब से होता है कि घर का हर बच्चे से लेके बुज़ुर्ग कोई भी इंसान हो वो बैठकर साथ में देख सकें टीवी, तो आप वेब सीरीज़ भी मेरे देखेंगे तो कुछ उसी दिशा में देखेंगे, आप सब देख सकते हैं मेरे शोज़।